अस्सलामुअलैकुम जी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो मेरिट लिस्ट हैं या एंट्री टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा, आप किस तरह से चेक कर सकेंगे, और इसके अलावा थोड़ा सा इंटरव्यू स्केड्यूल्स को देखेंगे, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने इसको मुकम्मल देखना है और इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है, इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप मोबाइल से हैं या लैपटॉप से हैं, आप दोनों से ही अपना मेरिट लिस्ट और या रिज़ल्ट देख सकेंगे। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, eduhelp.pk। बेसिकली ये वेबसाइट है और यहाँ पर हम आपको मेरिट लिस्ट, रिजल्ट्स, जॉब्स और एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। सो इन फ्यूचर इसी तरह से अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के रेलिवेंट या इसके अलावा जितने भी जॉब्स की अपडेट्स हैं वो लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा, जैसे आप इस पेज पे आएंगे, आपने यहाँ से इसको टेस्ट रिज़ल्ट के रेलिवेंट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप टेस्ट में देने के लिए अपियर होंगे तो क्या 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 चीज़ रिक्वायर होंगे, आपको यहाँ से ये रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर ऑफिशियल साइट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये ग्रीन बटन नज़र आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी MES के लेटेस्ट रिजल्ट्स का बटन। ठीक है, उसके बाद है जी MES की मेरिट लिस्ट। ठीक है, यहाँ से आप लेटेस्ट रिजल्ट्स देख सकेंगे, यहाँ से आप मेरिट लिस्ट देख सकेंगे, जिस जिस तरह से टेस्ट होते जाएंगे, उसके बाद जिस तरह से ऑफिशियल्स अपनी मेरिट लिस्ट को अनाउंस करेंगे, आप सिंपली उस लिंक से आके यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे क्लिक करके अपने रेलिवेंट मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इंटरव्यू स्केड्यूल है। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टेटस भी आप देख सकेंगे। उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट वगैरह में नाम आ जाएगा, तो लास्ट में हमने यहाँ पे इंशाल्लाह आपको लेटर डाउनलोड करने का भी बटन ऐड कर दिया है। जिस तरह ऑफिशियल्स प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ से लिंक कर देंगे, आप सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद अपनी रेलिवेंट डिटेल्स प्रोवाइड करके अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, अब अगर इसमें थोड़ा सा मज़ीद हम देखें, तो इंटरव्यू स्केड्यूल के बटन पे हम क्लिक करें तो हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो है प्रिंट कॉल लेटर। ठीक है, जो कॉल लेटर आपको मिलना है, यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना रोल नंबर प्रोवाइड करके CNIC, और ये कोड यहाँ पर लिखने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, आप आसानी से इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, मोबाइल पर भी और लैपटॉप पर भी। कोई भी इशू हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है स्केड्यूल ऑफ टेस्ट, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि करंटली कौन कौन सी डेट्स पे टेस्ट हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कंप्लीट उसकी PDF फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल पे भी इसी तरह से आप इसको अपने पास से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप बाद में देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये राइट साइड पर ये बटन है इसके डाउनलोड का। ठीक है, ये जैसे ही लोड होगी तो मैं इसको आपको प्रीव्यू भी इसका यहाँ पे दिखा देता हूँ, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हो गया इसका स्केड्यूल का। और इसके अलावा अगर आप रोल नंबर अपना भूल गए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी डिटेल्स देंगे तो आपको आपका रोल नंबर भी मिल जाएगा। तो उसके लिए जी मैंने बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर अपना CNIC प्रोवाइड करूँगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसमें एग्जैक्ट होनी चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड की थी, इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। और ये जो चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद ये कोड जो लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली इसमें इशू होता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, ये जो कोड लिखा है आपने इस फील्ड में प्रोवाइड करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रोल नंबर आपके सामने होगा। ठीक है, अब ये लोड हो चुके हैं जी, जो मैं आपको कह रहा था स्केड्यूल था उसके टेस्ट का। यहाँ पर ये सारे टेस्ट जिस जिस डेट्स को होनी है, ये सारी डेट्स यहाँ पर पढ़ी आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इसके रेलिवेंट मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।